एक्शन। नमस्कार, मैं श्री आपका आउटडोर, अरे आउटडोर नहीं, छत पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, आज मेन्यू में है साउथ इंडियन फिश करी एंड वेजिटेबल करी, जिसका वीडियो फुटेज सुड ने डिलीट कर दिया है। सो हमारे छत के प्यारे पौधों के फुटेज के साथ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज यूजुअल एक गर्मा गर्म तवा, उसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल, उसमें जेनरस अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, और क्योंकि हम हमारे टेरेस गार्डन में हैं तो हम करेंगे कड़ी पत्तों की हार्वेस्ट। आ हा हा, ये फ्रेश कड़ी पत्ते की महक और ये आवाज़। फिर जूलियन अदरक जॉइंस द पार्टी इन द पैन अलोंग विद छोटे छोटे अनियंस, जिसको सुड ने क्वार्टर में काटे हुए हैं। छोटे प्याज की जगह यहाँ पे आइडियल चीज़ होगा एकदम छोटे प्याज, जिसे सांभर में डालते हैं और जिसे शैलट्स कहते हैं। 20 से 25 लहसुन, 2 हरी मिर्च हाथ से तोड़ के, इन सब को हाई हीट में कुक करें फॉर 2 मिनट्स सो दैट दे गेट ब्लिस्टर्ड। फिर हम डालेंगे सुड का बनाया हुआ केरला इंस्पायर्ड रोस्टेड मसाला, फिर थोड़ा पानी सो दैट ये मसाले ना जले, और इसमें पड़ेगा हल्दी, धनिया एंड लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से सबको मिक्स एंड देन कोकोनट मिल्क। यहाँ कोकोनट मिल्क इज द गेम चेंजर एंड द कोकोनट मिल्क मेक्स द डिश स्मूथ, सिल्की एंड अमेजिंगली ब्यूटीफुल। फिर डाला स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि रोस्टेड मसालों का फुटेज नहीं आया सो उसका हम एक वीडियो बनाएंगे कमिंग सैटरडे। फिर खटास के लिए डालेंगे इमली का पानी, फिर 1/2 टीस्पून शक्कर क्योंकि इट्स सुड, अच्छे से मिक्स, और फिर 4 से 5 कोकम लीव्स और 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट। बांगड़ा मच्छी को मैंने ऑलरेडी धो के साफ करके नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ था, अब सुड इनमें चीरा लगा के डालेंगे पैन के अंदर, जो कि मच्छी का फ्लेवर इम्पार्ट करेगा ग्रेवी में एंड ग्रेवी का फ्लेवर जाएगा मच्छी के अंदर। थोड़ी देर आई मीन 2 मिनट्स ढक के रखा, फिर साइड्स पलट के फिर से 1 मिनट तक ढक के रखा। अब टेस्ट टेस्ट, हल्का सा नमक के साथ एडजस्ट किया सीजनिंग को एंड ढका फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। फिर मच्छीज़ को निकाला, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मच्छी को अंदर रखेंगे तो मच्छी विल गेट ओवर कुक एंड वी डोंट नीड दैट। मच्छी निकालने के बाद धनिया चॉपिंग मेकिंग द करी लिटिल एक्स्ट्रा यम, और ये चीज़ सुड ने अचीव किया एक्स्ट्रा तेल डाल के, जो कि ज़रूरी नहीं था। फिर डाला थोड़ा नमक, क्योंकि नमक कम था, फिर डाला जूलियन अदरक, फिर से टेस्ट, और फिर से डाला धनिया, और ढक के कुक किया फॉर लगभग 5 to 8 मिनट्स ऑन हाई हीट। इस स्टेज में ऐसे हाई हीट में कुक करने से ग्रेवी थिक होती है और फ्लेवर्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं। बीच बीच में ये ज़रूर चेक करें कि पैन या कढ़ाई के नीचे वाले साइड में मसाले पकड़ ना ले। फिर डाला मच्छी, देन किल द हीट, कवर एंड लीव इट फॉर 10 मिनट्स, और सर्व करें किसी सुंदर प्लेट में, क्योंकि केले के पत्ते नहीं मिले से उसको। कहाँ से मिलेगा, फिर से लॉकडाउन जो शुरू हो गया। नाइस खट्टा स्वीट फिश, देखो परफेक्टली कुक फिश। ये तो खाने में मस्त हो गए, चलो इसको खाने दो। आप मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन में पिकनिक नहीं मना सकते, ऐसा किसने कहा?
अपना किचन छत पे लेके जाओ, अपने प्यारे से परिवार वालों के साथ पार्टी मनाओ जैसे कि हमने मनाया। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको साउथ इंडियन रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कलर कैसी लगी, और सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें कितनी बार बताएंगे आप, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। एज यूजुअल बाय, सी यू। ये बड़ा क्यों गई तू? वापस कर। जी, तेरे घर में कोई खाना खाने नहीं आएगा। ना, एंड वी आर डन। ये धोने को जाएगा।